रांची के ओसीसी दुर्गा पूजा समिति की ओर से शारदीय नवरात्र के पंचमी तिथि को भक्तों के लिए पूजा पंडाल का पट खोल दिया गया है। पूजा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी पंचमी तिथि को माता के दर्शन के लिए पट खोल दिया गया है। समिति के अन्य सदस्यों ने बताया कि कोविड गाइडलाइन के तहत संपूर्ण पूजन विधि और माता के दर्शन की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए पिछले वर्ष जिला प्रशासन की ओर से ओसीसी दुर्गा पूजा समिति को प्रथम पुरस्कार भी दिया गया था। 1971 से पूजा हो रही है, आज मान लो 52 ईयर्स हो गए हमारे पूजा पंडाल को, और यहाँ पूरी रीति रिवाज के अनुसार पूजा होती है और हर बार हम लोग पंचमी में ही उद्घाटन करते हैं। पिछले साल भी हमारे पंडाल को प्रशासन के द्वारा माने गाइडलाइंस में जो हमने पूजा की थी उसके लिए हमें फर्स्ट प्राइज दिया गया था प्रशासन के द्वारा, और इस बार भी हम कोशिश करेंगे उनके गाइडलाइंस को पूरा करें। माता के दर्शन पाकर भक्त भी अभिभूत हो गए। भक्तों ने कहा कि सर्व मंगल कारिणी माँ दुर्गा सभी का कष्ट हरने का काम करती है। अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद माता रानी का दर्शन करके, आगे भी ऐसी कृपा बनी रहे। इतने दिनों बाद इतने इतने समय बाद यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। माता रानी का आशीर्वाद हम सब पे ऐसे ही बने रहे। इस वर्ष ओसीसी दुर्गा पूजा समिति का पूजा पंडाल आज खुल गया। माँ से हम लोग यही आराधना करते हैं कि जो पिछले वर्ष कोविड से महामारी से भारत जूझा है और सेकेंड वेव में बहुत सारे लोगों ने को हम लोगों ने खोया है, तो बस माँ से यही आराधना रहेगा इस नवरात्र में कि जो तीसरी लहर का हम लोग प्रकोप सोच रहे हैं कि आए वो बिल्कुल भी ना आए, और माता उनको कोरोना के रूप में महिषासुर का वध करते हुए अपनी डोली के साथ लेते जाए। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।